गरीब मजदूर बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़कर अच्छी शिक्षा लेंगे, तो एलजी साहब उनको जाने नहीं दे रहे टीचरों को। अब भाई तुम क्यों जा रहे हो, क्या इन्हें यही मजदूरी अच्छी है कि भाई रोड पर कूड़ा बीनो या रोड पर चोरी करो डकैती करो, तो हमारे देश के बच्चे ऐसे भविष्य तय करेंगे क्या? अगर अच्छे पढ़े हैं नई शिक्षा लेके आएंगे हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे आज हमारे बच्चे बाहर विदेश में पढ़ने जाते हैं, कल दूसरे देश के हमारे बच्चे पढ़ने आए, तो हमारा देश जब तरक्की करेगा, ऐसे तरक्की नहीं करेगा जैसे एलजी साहब सोच रहे हैं कि भाई ऐसे ही होगा काम। क्या नाम है आपका? निशा, चांदनी चौक से जिला अध्यक्ष। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन है, मैं डॉक्टर नसरीन मुस्तफाबाद से हूँ। क्या करती है? डॉक्टर हूँ। डॉक्टर है? जी जी। तो आप भी यहाँ पर आई हैं, डॉक्टर हैं आप? जी हाँ। तो आपको लगता है कि वाकई में एलजी साहब का जो फैसला है ये गलत है? गलत है, क्योंकि बच्चे जब तक शिक्षा नहीं पाएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। शिक्षा बहुत जरूरी होती है, और जितनी नई शिक्षा आती है विदेशों से हमारे पास आएगी तो हमारे बच्चे और तरक्की करेंगे। जो आज ये दिल्ली की जनता है, जो परेशान हाल है, जो गरीब मजदूर बच्चे हैं, वो हमारे जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, अगर वो बाहर से शिक्षा लेकर उनको आएंगे तो नई शिक्षा उनके लिए मिलेगी। जब नई शिक्षा मिलेगी तो हमारे देश की तरक्की होगी। जब देश तरक्की से होगा तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। देखा गया है कि तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, उनके बच्चे जो हैं बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, तो अगर यहाँ से टीचर अगर पढ़ने वहाँ से अगर ट्रेनिंग लेकर आएगा तो यहाँ पर अच्छी शिक्षा देगा। जब वो अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं तो यहाँ के बच्चे क्यों नहीं बाहर वाली शिक्षा ले सकते हैं? उनको भी तो चाहिए कि अच्छी शिक्षा मिले। राजनीतिक है, राजनीति है, और राजनीति क्या नहीं हो तो क्या है? वरना ऐसे फैसले आते हैं जिस पर एलजी साहब रोक लगा देते हैं, तो क्यों रोक लगाते हैं? जनता का हित नहीं चाहिए? जनता की भलाई नहीं चाहिए? जनता से ही वो पता, एलजी साहब भी जनता की हित में ही देख रहे हो अगर ये है तो एजुकेशन गलत चीज है क्या? आप बताइए, एजुकेशन क्या गलत है? बच्चों का अगर हित में अच्छा देखते हैं तो क्या एजुकेशन देने के लिए क्या मना करते हैं? क्या बाहर जाने से टीचर्स को रोकते हैं? ऐसा गलत है। और भी जो लोग हैं, अच्छा बोला जा रहा है एलजी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि और स्टेट्स में जो है ऐसे नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम रोक लगा रहे हैं। क्यों बच्चों को भेज रहे, किस लिए रोक कर रहा है? बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो क्या बनेंगे? फिर क्यों स्कूल खुल रहे हैं? हैं आप यूँ कहते हैं आम आदमी आए, आम आदमी के स्कूल हैं तो ना बच्चे पढ़ेंगे तो फिर आप क्या क्या लगेगा? है? क्या नाम है आपका? मेरा निर्मला गोयल। क्या करती है? कुछ नहीं, मैं हाउसवाइफ, मेरा पोता पढ़ रहा है, अब उसको मैं बाहर भेजूंगी, आप जाने नहीं दोगे तो क्या सिखाएगा, क्या आके पढ़ाएगा बच्चों को? अच्छा आप हाउसवाइफ हैं इसलिए आई हैं कि आपने देखा कि तमाम जो ये मुद्दा, मैं तो वैसे ही आई हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देखने आई हूँ कि भी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैंने पैसे क्यों लगाया? जब हम बच्चों को पैसा लगाएंगे तो हम अपने बच्चों को शिक्षकों को भेजेंगे, तभी तो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक। तो आप जो सीएम साहब ने जो फैसला लिया है उसके हक में है कि बाहर भेजने जाना ठीक है और एलजी साहब मना कर रहे हैं? एलजी साहब के लिए तो आए हैं। नहीं, सीएम साहब ने बोला ना कि भाई फिनलैंड भेजना चाहिए शिक्षकों को, अच्छी शिक्षा लेना। अरे तो बाहर भेजेंगे तभी तो हमारे बच्चे कुछ शिक्षा दे के आएंगे। मैडम ऐसा है, टेक्नोलॉजी सारी पढ़ाई हो रही है, सारी डिजिटल पढ़ाई हो रही है, तो एलजी साहब को रोकना ही नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट तो जाएगा बाहर तो वहीं से टेक्नोलॉजी सारी अपनी इंग्लिश की, सारा जो आजकल डिजिटल एजुकेशन चल रहा है सारा, तो वो तो सारा होना ही है, वहाँ से सब सीख के आएगा तो स्टूडेंट यहाँ सीखेगा ही। शिक्षा तो इतना बड़ा मुद्दा भी है कि शिक्षा के लिए तो किसी भी तरीके की शिक्षा चाहिए ही, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तब वो मैडम बाहर सीख के आएगी, तभी तो बच्चों को अच्छा पढ़ाएगी। आज जो मैडम में पढ़ा रही है वो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ पा रहा। अब अगर केजरीवाल करा रहे हैं अच्छा काम तो क्यों नहीं करने दे रहे हैं? काम के अंदर रोक क्यों कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा सुमन नाम है। क्या करती है? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। आप क्या नाम, क्या है? मेरा दुलारी कहना है। आप क्या करती है? मेरा भी एजुकेशन में ही है सारा। अच्छा तमाम यहाँ आप देख सकते हैं हाउसवाइफ भी आई हैं कि इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि शिक्षा जो है वो हमेशा ही ऊपर रही है, उसका स्तर हमेशा ऊंचा रहा है, लेकिन शिक्षा को लेकर एलजी साहब का ये जो रवैया है वो समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, यहाँ पर कुछ शिक्षक अभी तक तो मुझे मिली नहीं है। हम बात करना चाहेंगे कि देखते हैं कि कोई शिक्षक भी मिल जाए, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं तमाम लोगों में जो है आक्रोश है और विरोध प्रदर्शन जारी है।
तमाम लोग जो है नारे लगा रहे हैं एलजी साहब मुर्दाबाद। आप सामने देख सकते हैं एलजी साहब शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, अभी मैंने तमाम महिलाओं से बात की, आप क्या करते हैं? क्या हम चाहते हैं कि बच्चे जाएं और पढ़ के आएं, और ये दिल्ली सरकार ही चाहती है और एलजी साहब उसको रोकना चाहते हैं। क्या करते हैं आप? मेरा काम बिजनेस है। बिजनेस का है। हाँ। लेकिन आपको समझ आ रहा है कि ये एक अच्छा फैसला था लेकिन उसको रोक लगा दिया। एलजी साहब ने रोक दिया। हम चाहते हैं हमारे देश के, हमारे दिल्ली के बच्चे जाएं, विदेश में पढ़ के आए, हमारे देश का नाम रोशन करें। और तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं। नहीं देखो, यहाँ दिल्ली में एक एलजी साहब है जो इस पे रोक लगाते हैं। बिल्कुल, देखो गरीब बच्चों को रोकना एलजी साहब रोक रहे हैं। तो ये क्या टकराव है क्या आम आदमी पार्टी और भाजपा, ऐसा कुछ टकराव दिख रहा है? देखो एलजी साहब आम आदमी पार्टी के सारे काम रोकते हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के जो भी वो प्रस्ताव लेके जाते हैं उसको तुरंत रोक देते हैं एलजी साहब। क्यों रोक देते हैं, इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है? वो बस क्यों रोकते हैं तो उनको ही पता है, राजनीति है। अब काम करेंगे तो जनता का काम होगा। हम चाहते हैं, आम आदमी पार्टी चाहती है कि जनता का काम हो। मैंने और भी 2-3 दिन पहले बोला था कि जनता का काम हो, जनता का काम होने दें एलजी साहब। तमाम लोगों में आक्रोश आप देख सकते हैं, उस तरफ जो है बैरिकेड लग चुका है और उस तरफ उस ओर जो है पूरी पुलिस टुकड़ी मौजूद है और इस ओर तमाम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें महिलाएं भी हैं। अभी यही इनमें कोई टीचर भी है क्या मैम? टीचर भी है कोई? टीचर बहुत सारे हैं बट कहाँ। क्या नाम है आपका? छाया तिवारी। छाया जी क्या करती हैं? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, महिला विंग से। महिला विंग से? यहाँ महिला विंग से और आम आदमी पार्टी से आए हुए हैं जी। हाँ जी मैम। तो ये जो फैसला है क्या गलत लिया है, गलत स्टंट है ये या राजनीतिक स्टंट है, क्या समझ में आ रहा है? एक्चुअली राजनीतिक स्टंट ही है क्योंकि जब भी केजरीवाल जी कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें जरूर बाधा डाला जाता है। अभी हमारी एमसीडी में पूरा बहुमत के साथ जब हम आए हैं एमसीडी में तो हमें शपथ नहीं लेने दिया जा रहा है, या कोई भी कुछ अन्य कार्य करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बाधित करते रहते हैं। और वैसे तो बहुत नारा लगाते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, तो फिर वो अपने बच्चों को तो विदेश भेज देते हैं, बाकी बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले उस पर वो क्यों रुकावट डालना चाहते हैं? शिक्षा तो एक ऊंचा स्तर है, उसके लिए तो अगर तमाम लोग, अगर चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, पार्टियों का तो मतलब नाम तो होना ही नहीं चाहिए, शिक्षा के लिए तो हमेशा से ही हाँ होनी चाहिए, अच्छे फैसले लेने चाहिए। जिस तरीके का ये फैसला लिया अभी सीएम साहब ने कि फिनलैंड जाए शिक्षक पढ़ के, वहाँ से ट्रेनिंग करके आए तो यहाँ पे पढ़ाए, लेकिन इस पे आपत्ति क्या हो सकती है, क्या लग रहा है? आपत्ति वो कह रहे फंड तो हम यहाँ के दिल्ली पब्लिक टैक्स पे कर रही है तो फंड फिर कहाँ जा रहा है? एलजी साहब उसका जवाब देना चाहिए उनको। और फंड तो हाँ सरकार ही देगी, दिल्ली सरकार देगी, दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी, लेकिन क्या बता रहे हैं एलजी साहब? यहाँ पे जो बात है वो है कि कोई भी दिल्ली सरकार को सही काम नहीं करने दिया जा रहा है। सबसे जो राजनीतिक तौर पे माना जाए कि ये आम आदमी पार्टी और भाजपा का टकराव है, राजनीतिक स्टंट है, वो इस बात को यहीं पे लेके आ जा रहे हैं, कोई भी सही काम नहीं कर दे रहे हैं, जबकि स्कूल कितने अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं, उनको और अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो वो और अच्छे करेंगे तो हमारा भारत का नाम रोशन होगा, तो ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं और फाइल हमारी रोकी हुई है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे तमाम लोगों को आपको रोक दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया, पुलिस खड़ी कर दी गई है। हम तो जवाब मांगने आए हैं जी कि वो जवाब दें हमें कि उन्होंने फाइल क्यों रोकी हुई है, वो क्या चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि बच्चे ना पढ़ें, बच्चे आगे ना बढ़ें, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं उनको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हो हक अधिकार क्या है, ये अधिकार क्या है, तो वंचित रखने का एक बड़ा ये तो नहीं है उसके पीछे की भैया अच्छी शिक्षा ही नहीं ले पाए उसी तरीके से जो पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते रहे। बिल्कुल, उतने समय से 70 वर्षों से यही तो होता आया है। सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी ने दिया हुआ है वो व्यवस्था आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया बच्चों के लिए स्पेशली। कितनी अच्छी बात है कि गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के, तो उन पे मैं रिक्वेस्ट ही करूँगी एलजी साहब से कि वह ऐसा ना करें और दिल्ली सरकार का पूर्ण रूप से सहमत दें इसमें। शिक्षक बाहर जाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग लेके आएंगे तो बच्चों को इससे बहुत लाभ होगा तो हमारा देश ही आगे बढ़ेगा। लास्ट टाइम देखा गया था जो दंगा मुस्तफाबाद में हुआ था, वहाँ पे तमाम जो छोटी उम्र के बच्चे थे 18 से 21 साल के, वो इसमें झोंक दिए गए थे। तो एक तरफ तो वो मुद्दा था जो 18 से 21 साल के बच्चे वहाँ दंगा में थे,
और यहाँ पर अब अच्छी शिक्षा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर मेरा आप सवाल समझ रही है ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि यहाँ तमाम लोग जो अब शिक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं, अगर बच्चे पढ़ेंगे अच्छी शिक्षा लेंगे तो अच्छे रास्ते पे ही जाएंगे, मेरा कहने का। बिल्कुल, अभी भी बहुत बदलाव जरूरी है हमारे भारत में, बच्चे भटक जाते हैं, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, हमें गर्व होता है कि हमारे ऐसे हैं, यहाँ के हमारे CM साहब हैं, केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने स्कूल के लिए स्पेशल शिक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया कार्य करा है और सारी व्यवस्था ठीक करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जितने भी सरकार हैं सबको, एली साहब को सबको साथ में आना चाहिए और जो बेहतरीन से बेहतरीन हो सके बच्चों के भविष्य के लिए वो करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सारे इकट्ठे होकर जो है उनका मुद्दा यही है, लगातार उनकी मांगे और डिमांड यही है कि अच्छी शिक्षा अगर मिलेगी हमारे बच्चों को भी तो उसमें क्या ही नफा और नुकसान है। आखिर LG साहब इस पर आपत्ति क्यों है, LG साहब को इस पर आपत्ति क्यों है? एक अच्छा फैसला लिया गया है कि टीचर्स जो है बाहर जाकर ट्रेनिंग लेकर आएंगे और यहाँ के बच्चों को जो है तमाम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, तो इसी के लिए यहाँ पर तमाम लोग जो है आप देख सकते हैं सड़कों पर भी बैठ गए हैं और जो है इनका मुद्दा यही है कि भैया इस फैसले को वापस ले लें LG साहब, और जो दिया गया है कि भैया कि ट्रेनिंग के लिए जो शिक्षकों को बाहर भेजा जाना चाहिए उसी के लिए ये लोग अब यहाँ अड़ गए हैं और सड़कों पर बैठ चुके हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, LG हाउस, दिल्ली।